जूनियर प्लेयर है और पाकिस्तान फाइनल का मैच हार गया, लेकिन मुझे इस बात का तो दुख नहीं है, हालांकि दुख तो बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई जिसके बाद इट जस्ट मेड माय डे। बताऊंगा उसके बारे में भी, लेकिन अगर अभी से बता दें तो तुम लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे, तुम लोग बहुत होशियार हो, तुम लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो, तो इसलिए मेन चीज़ हमने रखी है एंड के लिए। हालांकि टाइटल से तुम लोगों को पता लग ही गया होगा, लेकिन जो मेन बात है वो थोड़ी बताएंगे अभी। तो भाई आज के दिन में क्या क्या हुआ पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मेन बात पे आएंगे। तो व्लॉग आज का कुछ इस तरीके से था यार कि मैच था आज के दिन और संडे का दिन है, मतलब बंदा रेस्ट ही करता है इस दिन पे। तो भाई दिन में आज कुछ मैंने खास किया नहीं, और यकीन करो इस वक्त भी अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और मैं अब रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ, क्योंकि अपने पर्सनल काम कर रहा था भाई। पूरे मैच के दौरान कोई ऐसा खास रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं, क्योंकि मैच ही इतना कोई वन साइडेड हो रहा था कि स्टार्ट में पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद पूरा जो है मैच का पलड़ा श्रीलंका के फेवर में चली गया, तो फिर मज़ा नहीं आया मैच देखने का। तो मैंने इतना फिर ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं करी, कुछ छोटे मोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए तो वो तुम देख चुके हो। सेकेंड चीज़ जिसने मेरा आज मूड ऑफ किया भाई, वो थी कि यूट्यूब ने मेरी वीडियो जो मैंने फर्स्ट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ था एशिया कप का, वो रिमूव कर दिए, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने क्लेम किया भाई कि मैंने उनका कंटेंट यूज़ किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस बात पर खुश हूँ या रोऊं कि स्टार स्पोर्ट्स ने मेरी वीडियो पर क्लेम किया भाई। रकी भाई की वीडियो भी रिमूव करवाई गई थी कुछ टाइम पहले, रकी भाई की वीडियो रिमूव होना और फिर मेरी वीडियो रिमूव होना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पर खुश हूँ या रोऊं। भाई मैंने कोई कॉपीराइट कंटेंट यूज़ नहीं किया था, बस सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान एक छोटी सी क्लिप मैंने टीवी से रिकॉर्ड की थी, जिसमें चैनल का लोगो तक हिडन था, कुछ भी चीज़ नहीं दिख रही थी, सब कुछ हाइड करके मैंने छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, बस उसके ऊपर क्लेम आ गया भाई। पूरा मैच हमने दिखाया है, रिएक्शंस थे, एक्चुअली वो तो रिएक्शन वीडियो थी कि मैच के दौरान हमारे क्या रिएक्शंस थे, बस छोटा सा क्लिप मैंने यूज़ किया जिसमें कोई लोगो वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था, और बस स्टार स्पोर्ट्स ने हटवा दी, क्या कर सकते। बट उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद आई वॉज रियली हैप्पी, मतलब सारी जो मेरी एक उदासी थी ना यार मैच हारने की और एशिया कप फाइनल हारने की, वो सारी दूर हो गई। इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को, और वो है हमारे कराची के बॉय इरफान जुनेजो। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट करूंगा इस तरीके से कुछ, और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आई वुड गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम इरफान जुनेजो। मतलब हमारे को चिटचैट नहीं हुई, बट स्टिल इरफान भाई यू मेड माई डे यार, यू रियली मेड माई डे। तो भाई मैच के दौरान मैं और मेरी वाइफ तो बाहर चले गए थे, हालांकि हमारे कजन्स वगैरह आए थे जिनकी क्लिप्स तुम देख चुके हो, ये लोग मैच देख रहे थे मेरे घर पे और मैं बाहर चले गया था कुछ पर्सनल काम के सिलसिले में, वो करके आया तो मैच को इतना स्टार्टिंग हो नहीं रहा था, तो मैं बैठ गया आगे, डिनर वगैरह किया और ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, मैच हम लोग हार गए। फिर उसके बाद कजन्स वापस चले गए, मैं अपनी वाइफ के साथ फिर बाहर चले गया किसी काम से, फारिग होते होते मुझे कम से कम रात के 1:30 बज गया था, फिर तो लाइट चली जाती है यहाँ पे, और उसी दौरान ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, और उस इंसिडेंट के बाद मेरा पूरा मूड ही चेंज हो गया। मतलब मैं रियली आई वाज नॉट रियली हैप्पी, मैं आउटिंग में भी गया वाइफ के साथ, लेकिन मेरा मूड ऑफ था कि मैच हार गए, जाहिर सी बात है यार फाइनल में आके मैच हारना तो इट्स अ बिग डील, बट स्टिल मैंने कहा नहीं यार मूड नहीं है, लेकिन वाइफ का दिल भी तो रखना था, आउटिंग में चले गए, ज़्यादा कुछ किया नहीं बाहर, ऐसे बस लॉन्ग ड्राइव पर जाकर लोग वापस आ गए। हाँ, जाने से पहले मैंने एक काम किया था और उसी का नोटिफिकेशन मुझे मिला, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। तो भाई इरफान भाई थैंक्स अलॉट यार। तो भाई सीन कुछ ये है, फिर आते मेन बात के ऊपर, आता कुछ लंबी नहीं करते, वैसे बहुत लंबी हो चुकी है, और हमारे साथ जो लेग्जी लेटी हुई है वो भी बहुत बोर हो चुकी है। लेग्जी बोले जी आओ पर आओ, और ये देखो भाई ये आ गई हमारी लेग्जी, आओ पर आओ, आ जाओ 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 एंड शी से यार भाई। तो भाई ये भी बहुत बोर हो चुकी है मेरी बातें सुन सुन के। हाँ भाई लेग्जी ज़्यादा बोर हो रही हो आप, थोड़ा सा उनको प्यार कर लेते हैं और फिर आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर भी। हाँ भाई लेग्जी बता दें इनको फिर क्या हुआ था हमारे साथ। तो भाई सीन कुछ ये हुआ था सर बता रहा हूँ भाई सीन कुछ ये हुआ था कि मैंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैं जो है इरफान जुनेजो की वीडियो जो है दिख रहा था। ऐसी बात है भाई, जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो तो उस चीज़ में जो बेस्ट होता है उससे ही आप इंस्पिरेशन लेते हो, तो हमने भी ये किया कि भाई इरफान जुनेजो की वीडियोज़ देख देख के
कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश की और उसको अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। हाँ यहाँ बैठ जाओ। तो यही मैंने किया कि मैंने उस वीडियो का क्लिप लिया, इंस्टा पे स्टोरी लगाई, और मेरी से कोई इंटेंशन भी नहीं थी भाई कि मैं वेट कर रहा था कि इरफान जो जो मेरी स्टोरी देखेगा और मुझे नोटिफिकेशन आएगा इस तरीके का। मैं जब बाहर गया और वापस आया तो मैंने चेक किया भाई किन किन लोगों ने मेरी स्टोरी देख ली है, एंड आई वॉज रियली शॉक्ड। मतलब द सेकेंड पर्सन टू सी माई स्टोरी वॉज इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो ने मेरी स्टोरी देखी एंड इट मेड माई डे। आप शायद इमेजिन नहीं कर सकोगे भाई कि ये कितनी बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए कि मैंने स्टोरी लगाई आपसे इंस्पायर होके, एंड मेरी स्टोरी आपने देखी। अब तो भाई और ज़्यादा मोटिवेशन आ गई है, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए। मेरी लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा मैंने डबल रोल वाला पार्ट किया था कुछ, तो इस तरह की नई चीज़ें भी सीख रहा हूँ भाई, और नए कैमरे एंगल्स वगैरह सब कुछ अब मैं स्टडी कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। भाई जब जैसी वाली चीज़ करनी है तो प्रॉपर तरीके से करें ना यार, मतलब इस तरह थोड़ी यार कि बस कुछ भी बनाया और अपलोड कर दिया। तो प्रॉपर तरीके से भाई आपका भाई जो है सीख रहा है, और तुम सब ये भी जानते हो कि मैं किससे सीख रहा हूँ। मतलब रियल क्लासेस नहीं चल रही भाई, लेकिन उनके व्लॉग्स देख के और कैमरा एंगल्स वगैरह सब देख के भाई सीख रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह जैसी बात है मेरी वीडियोस में भी वो चीज़ें अब इंप्लीमेंट होने शुरू होंगी, और तुम लोग बहुत जल्द कुछ चेंजेस देखोगे मेरी वीडियोस में। तो इंशाल्लाह साथ रहना है भाई और मेरी वीडियोस को फॉलो करता रहना ताकि नई चेंजेस और नए सीन्स तुम लोग भी देख सको। तो भाई इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लेग्जी भी जो लेट गई है और सोचा नींद आ रही है, लेग्जी सोना है ना, तो इसको भी सोना है और रात के 2:30 बज गए। जैसी बात है मुझे भी सोना है, वीडियो भी तुम लोगों के लिए एडिट करनी है। तो बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो, शेयर करो। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कहाँ हो यार, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जाते जाते लाजमी मेरी पुरानी वीडियोस भी देखते हुए जाना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वैसे अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़।